चलो यार, पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं। सुनो, पार्टी में अगर इधर उधर देखा ना तो टांगे तोड़ दूंगी। आंखें फोड़ना ना, टांगों की क्या गलती। देखिए, मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि मेरी सैलरी बहुत कम है, तो क्या आप गुजारा कर पाओगे? मैं तो कर लूंगी, पर फिर आपका क्या होगा? सुनो, आप मेरे रिश्तेदारों को बिल्कुल पसंद नहीं करते ना? कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो? मैं अपनी सास से ज्यादा तुम्हारी सास की इज्जत करता हूँ। सॉरी। आज के बाद आपके ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। क्या बात कर रही हो, सच्ची? अरे वो नहीं, आज से पहले आप सिर्फ मेरे फोन का रिचार्ज करवाते थे ना, अब से आपको मेरे इंस्टाग्राम का भी रिचार्ज करवाना पड़ेगा हर महीने, क्योंकि मैंने ब्लू टिक ले लिया है। सुनो, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी और आपके मन में जो पहली चीज आए ना, आपको वो जवाब देना है। डिस्क्राइब मी इन वन वर्ड। कलेश। आज मुझे लड़के वाले देखने आए थे तो पापा कह रहे थे कि लड़के के पास अपना घर है, गाड़ी है और सरकारी नौकरी भी है। कुछ भी मना कर दिया ना तुमने। सही है, मुझे उसमें तुम दिखाई दिए, मैं मना नहीं कर पाई। अबे चलो यार। क्या हर समय चलो यार चलो यार, इतनी अकड़ में क्यों रहते हो? अबे हैंडसम लौंडे चौड़ में ही रहते हैं। हाँ वो तो ठीक है, पर आप क्यों रहते हो? यार ये सारे मच्छर मुझे ही काट रहे हैं, आपको क्यों नहीं काट रहे? क्योंकि उनको भी पता है यहाँ कुछ नहीं बचा है। सुन, पानी पूरी खाने चले? मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार। आपको पता है शादी के बाद मैं मेंटली कितनी मैच्योर हो गई हूँ? मैं तो शादी से पहले भी स्टूडेंट था, अब भी स्टूडेंट ही हूँ। मतलब? मतलब मेरी मम्मी को लगता है कि तुम मुझे सिखाती हो और तुम्हें लगता है कि मेरी मम्मी मुझे सिखाती हैं, तो सीख ही रहा हूँ, स्टूडेंट ही हूँ। हाँ। लापता हुआ तुमने शादी कर ली? मैंने इंतजार किया था। सबर तो नहीं किया था ना?